नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड में हम आपको बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी बताने जा रहे हैं। हम आपको सबसे अहम कहानी बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसने जाल बिछाया वो खुद उस जाल में फंस गया। जी हाँ, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी ऐसी है कि इस जाल में नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह फंसते हुए दिख रहे हैं। लगातार पिछले 6 दिनों से बिहार में मटन पार्टी पर, मीट भात की पार्टी पर लगातार सियासी चर्चा हो रही थी, सियासी बयानबाजी का दौर जारी था। और वो बयानबाजी का दौर जब केस मुकदमे में बदला तो अब हमारे पास ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें जेडीयू बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के लिए जाल बिछाकर नीतीश कुमार से लेकर उनकी पार्टी, या फिर कह ललन सिंह से लेकर उनकी पार्टी खुद आरोपों के घेरे में आ गए हैं, फंस गए हैं। जिसने जाल बिछाया वही फंस गया। बात हम करें, दरअसल हम आपको बता दें, इसकी पृष्ठभूमि बता दें कि 14 मई को जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में मीट भात की पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी की तस्वीरें आई थी कि वहां पर पुलिस वाले लोगों को पीट रहे थे, उस पर विवाद हुआ था। और ललन सिंह, ऐसे बात नहीं है कि पहली दफा मटन पार्टी दे रहे थे। ललन सिंह घूम घूम कर अपने संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मीट भात की पार्टी कर रहे थे। और आखिरी मीट भात की जो पार्टी थी वो 14 मई को आज से 6 दिन पहले मुंगेर में आयोजित थी। और कहने का उनका मकसद ये था कि मटन और चावल खिलाकर लोगों को जो है, खासकर जो महागठबंधन में नई पार्टियां जो आई है नीतीश कुमार के साथ, उसके जो वर्कर्स हैं उनसे तालमेल बिठाया जाए। खैर, उस मटन पार्टी के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगा दिया कि ललन सिंह की मीट भात की पार्टी में शराब परोसी गई थी। और इसने जैसे जेडीयू में तूफान ला दिया इस आरोप ने। जेडीयू के नेताओं ने ताबड़तोड़ केस किया सम्राट चौधरी पर, उनको लीगल नोटिस पहले भेजी गई। इसी बीच मुंगेर में उनके खिलाफ केस कर दिया गया और फिर पटना में कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दे दिया गया। और अब जो खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो ये है कि FIR करवा रही जेडीयू अपने जाल में खुद फंस गई है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जेडीयू ने एक शराबी से ही सम्राट चौधरी पर केस करा दिया, अपने शराबी नेता से सम्राट चौधरी पर केस कराया, पुलिस को आवेदन दिलवाया, शिकायत कराई कि सम्राट चौधरी ये कहकर सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, जेडीयू की लोकप्रियता घटा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि ललन सिंह की पार्टी में शराब परोसी गई थी। और ये केस कौन कर रहा है? जो खुद शराबी है, वो जो खुद शराबी है वो जेडीयू का पदाधिकारी बनकर बैठा है और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर ये केस कर रहा है कि वो शराब परोसने का झूठा आरोप जेडीयू पर लगा रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर क्या जेडीयू पार्टी पर लगा रहे हैं। हम ये सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं कि जेडीयू ने न सिर्फ एक शराबी को अपना पदाधिकारी बना रखा है, वो शराबी जेडीयू के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ नजर आता है, बल्कि अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी शराब पिलाने का गलत आरोप लगाने का मुकदमा भी कर रहा है। हम इसकी पूरा डिटेल आपको समझाते हैं कि जब सम्राट चौधरी ने कहा कि ललन सिंह की पार्टी में शराब परोसी गई थी तो पटना के कोतवाली थाने में 17 मई को जेडीयू के नेता अमित माधव ने पुलिस को आवेदन दिया कि वह सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करे। उस नेता ने कहा, अमित माधव ने 17 मई को पटना कोतवाली, हमारे पास FIR की कॉपी है, जो आवेदन पुलिस को दिया गया उसकी कॉपी है, कि मैं अमित माधव वर्तमान में AN कॉलेज में पार्टी का निर्वाचित संयुक्त, जेडीयू का निर्वाचित संयुक्त सचिव हूं, मुंगेर लोकसभा में जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और वहां अपनी पार्टी या हमारे नेता जो ललन सिंह है उनके कार्यक्रमों का प्रबंधन करता हूं।
वर्तमान में हमारे सांसद ललन सिंह हैं और क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय और जो सक्रिय हैं, वह अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भोज का आयोजन करते हैं जिसे मीट भात खिलाया जाता है और हम लोग इसका प्रबंधन करते हैं। ये अमित माधव नाम का आदमी कह रहा है। उसने कहा कि 14 मई को ललन सिंह ने मीट भात की पार्टी का आयोजन मुंगेर में किया और उस प्रबंधन में मैं भी शामिल था। 15 तारीख को मैं JDU ऑफिस में बैठा था तो मुझे सूचना मिली कि सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें शराब परोसी गई थी, जबकि बिहार में पूर्णतः शराब निषेध है और नीतीश कुमार शराबबंदी की नीति का पालन कर रहे हैं। 17 मई को भी मुझे ये खबर लगी कि विजय सिन्हा पार्टी जो BJP के नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं। ये शराब परोसने की बात अमित माधव पुलिस को दिए गए आवेदन में कि शराब परोसने की बात बेहद आपत्तिजनक है, ये समुदायों के बीच द्वेष फैलाने वाला है या गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इससे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये JDU के एक नेता ने जो प्रदेश JDU कार्यालय में बैठता है, जो पार्टी का पदाधिकारी है, उसने ये पुलिस को आवेदन दिया और पुलिस ने उसको रिसीविंग दी कि सम्राट चौधरी JDU की ललन सिंह की पार्टी में शराब परोसने का झूठा आरोप लगा रहे हैं और एक गंभीर मामला और इसमें इसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हम बताते हैं कि JDU का जो नेता जो खुद को पार्टी का संयुक्त छात्र विंग का संयुक्त सचिव बताता है, जो ये कहता है कि वो ललन सिंह की पार्टियों का मैनेजमेंट करता है, जिसने ये FIR दर्ज कराया अमित माधव नाम के व्यक्ति ने, वो है कौन, उसके खिलाफ क्या आरोप है? अमित माधव नाम के जिस JDU नेता ने ललन सिंह के कहा केस दर्ज कराया और खुद कहा कि हम ललन सिंह की पार्टी का मैनेजमेंट देख रहे थे, पुलिस ने उसे शराब पीते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और ज्यादा दिन पहले नहीं, सिर्फ आठ महीने पहले बिहार की पुलिस ने ही अमित माधव नाम के इस व्यक्ति को, जो ललन सिंह की पार्टी का मैनेजमेंट देखता है, जो JDU का पदाधिकारी है, जिसे सम्राट चौधरी पर केस दर्ज कराया, उसे शराब पीते रंगे हाथ पकड़ा था। 7 सितंबर 2022 का यह मामला है, कंकड़बाग पटना शहर के कंकड़बाग थाने में, वहां ASI अरविंद कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि जब मैं गश्ती कर रहा था तो मुझे यह खबर मिली कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के PC कॉलोनी में J36 नाम के नंबर के मकान में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। मैं जब वहां पर गया छापेमारी करने पुलिस बल के साथ तो वहां कमरे में 6 लोग पाए गए। हमने पूरा घेराबंदी करके उन 6 लोग को पकड़ा। वो छह लोग कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। उनकी तलाशी ली गई तो कमरे में शराब की बोतल, सोडा, चखना सब बरामद हुआ। ब्रेथ एनालाइजर से उनके टेस्ट की गई उनकी तो उसमें भी शराब पीने की पुष्टि हुई। और जानते हैं इन 6 लोगों को कंकड़बाग थाने ने 7 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। वो FIR हमारे पास है। 7 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया, जिन 6 लोगों को किया था उसमें एक नंबर पर नाम अमित माधव का। अमित माधव पिता का नाम मनीष माधव। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया तो अमित माधव की जो बीएससी आप बताए थे कि जब ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट होता है या फिर जब शराब की टेस्टिंग होती है खून से भी, तो ब्लड अल्कोहल कंटेंट उसको कहा जाता है, वो पाया गया 131 mg पर 100 ml। सामान्य भाषा में इसको आप समझिए, टेक्निकली हम नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब होता है नशे में धुत होना। पुलिस ने अमित माधव समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कंकड़बाग थाने में केस नंबर 840/22/2022 दर्ज किया गया। अब अमित माधव नाम का ये व्यक्ति JDU का पदाधिकारी है, JDU के प्रदेश कार्यालय में बैठता है। वो खुद कह रहा है पुलिस को दिए बयान में कि हम ललन सिंह के पार्टियों का और उनकी जो मटन मीट भात की पार्टी होती है उसका मैनेजमेंट देखते हैं। मुंगेर में भी उस दिन मैनेजमेंट देख रहे थे। वो खुद कहता है कि उनके दूसरे कार्यक्रमों का मैनेजमेंट देखते हैं।
और जब सम्राट चौधरी ने कहा कि दारू पीकर जो है वो दारू परोसा गया, शराब परोसा गया ललन सिंह की पार्टी में, तो मुझे लगा कि यह सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली बात है, बहुत ही बेहद ही गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, जेडीयू की लोकप्रियता को धूमिल करने का अपराध है, क्योंकि कोशिश है, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। भाई अमित माधव नाम का आदमी जो शराब पीने का आरोपी है, पुलिस ने उसको पकड़ा, आपकी पुलिस ने FIR किया, वो जेडीयू का पदाधिकारी कैसे बन गया? आखिरकार वो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में कैसे बैठने लगा? नीतीश कुमार तो शराब को सबसे बड़ा पाप मानते हैं, तो फिर वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मीट भात का प्रबंधन कैसे देख रहा था? ये सब वो खुद कह रहा है, अपने FIR में कह रहा है, अपने पुलिस को दिए गए आवेदन में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं एक भी शब्द, हम अपना नहीं कुछ कह रहे हैं। और वो फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाता है कि उसने जेडीयू की पार्टी में शराब परोसने का आरोप लगाकर बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ललन सिंह की पार्टी में उस दिन शराब परोसी गई थी, हमने तो देखा नहीं, वो ललन सिंह जाने, वो सम्राट चौधरी जाने, हमने नहीं देखा शराब परोसते हुए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या एक शराबी इस बात का केस करेगा कि पार्टी में शराब परोसने की बात गलत है, झूठी, और जो आरोप लगा रहे उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए? अपने जाल में फंसते हुए दिख रहे नीतीश कुमार और ललन सिंह, और ये इस प्रकरण का सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये केस मुकदमे तक बात पहुंची और ताबड़तोड़ केस, लीगल नोटिस, ये सब कार्रवाई की जा रही है। तो इन सब के बीच जो खुलासा हुआ है उस पर जेडीयू का जवाब देना मुश्किल होगा। तो फर्स्ट बिहार झारखंड में हमने आपको बताया कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे ललन सिंह या नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी अपने जाल में फंसी है। आगे बीजेपी क्या करती है देखने की बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।